महाराष्ट्र में बीजेपी के अधिवेशन में विरोधियों पर खूब गरजे। अमित शाह बोले, हार के बावजूद अहंकारी हो गए हैं राहुल गांधी। शरद पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बताया। उद्धव ठाकरे पर भी बरसे। कोलकाता में तृणमूल के शहीद दिवस कार्यक्रम में पहली बार एक मंच पर दिखे ममता और अखिलेश। दोनों ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोले, केंद्र की सरकार चलने वाली नहीं, जल्द गिरने की भविष्यवाणी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रखी बड़ी डिमांड। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 5 सीटों पर दावा ठोका। बोले, पिछली बार जिन 5 सीटों पर सपा जीती थी उसी पर लड़े, बाकी सीटें कांग्रेस को मिले। योगी सरकार के आदेश पर नहीं थम रहा बवाल। सहयोगी आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी बोले, हम फैसले से खुश नहीं, अभी भी वक्त है सरकार आदेश वापस ले। ओबीसी बोले, मुसलमानों के साथ खुलकर भेदभाव होगा। मध्य प्रदेश और बिहार में भी उठी दुकानों पर नेम प्लेट की मांग। सवाल के बीच योग गुरु रामदेव ने पूछा, रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्यों। यूपी में आदेश के कानूनी पहलुओं पर दिल्ली में जमीयत की बैठक। दुकानों पर नेम प्लेट की योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। एक एनजीओ ने याचिका दाखिल करके तत्काल प्रभाव से आदेश रद्द करने की मांग। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलवाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ी। नीट कांवड़ यात्रा और बिहार को विशेष दर्जे का मुद्दा भी उठाया। आज विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है भारत। 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। बॉर्डर पर आतंकियों को भारत में घुसपैठ का रास्ता दिखा रही है पाकिस्तान की आर्मी। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। पाकिस्तान के कोटली और आसपास के इलाकों में हो रही साजिश। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से तबाही। गुजरात और महाराष्ट्र के कई शहर डूबे। यूपी में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड में 3 श्रद्धालुओं की मौत।